जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को लेकर पंजाब सहित पूरे देश के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अब दूसरी तरफ देश भर में दूसरे संगठन भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगे आकर मैदान में डट गए हैं, जिसके चलते रोजाना ही किसानों के समर्थन में कुछ नया देखने को मिल रहा है। कुछ इसी तरह से जिला फिरोजपुर में भी किसानों के समर्थन एवं कृषि बिल के विरोध में कई किसान संगठनों के अलावा नौजवान वर्ग, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कारों, मोटरसाइकिलों अथवा ट्रैक्टरों पर चढ़कर एक विशाल रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हुए दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर जान गंवा चुके किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए रोष व्यक्त किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी तरफ रोष रैली के दौरान सरकार खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान आगुओं और किसानों के समर्थन में उतरे अन्य संगठनों के वक्ताओं का कहना था, सरकार चाहे जितना मर्जी टालमटोल करती रहे परंतु सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी। उन्होंने कहा, किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक यह सरकार इन किसान मारे लोगों को वापस नहीं देगी। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों तो चल रहा, इवन मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं और पिछले 1 महीने तो दिल्ली असी बैठे हुए हैं और जी गवर्नमेंट आदि कन से हल तक जू नहीं सरकी। 1% भी जोड़ा हैगा वो झुकन का ना नहीं लेंदे और ड्रामैटिक ढंग के नाल कभी मीटिंग कॉल करते हैं और कभी जोड़ा है फिर अपनी की हुई गल तो बैकफुट चले जाते हैं। सो अज प्लान सगा डेली के भी ट्रैक्टर मार्च क्ढन का, बट वो मौसम की थोड़ी जी मिजाज में लैके उन्होंने कल तो पोस्टपोन करता। वो सपोर्ट के जोड़ा है असी इतने ट्रैक्टर से कारा का रोस मार्च एक ऑर्गेनाइज किया। सर जी गल की जाए तो 8 बार जी केंद्र सरकार ने थोड़ी मीटिंग हो चुकी किसानों की, पर कोई भी सिट्टा हजे तक नहीं निकल, की वजह बनी है? देखो इट्स अपॉन द गवर्नमेंट, यदा जवाब तो सरकार ही दे सकती है क्योंकि किसान और मजदूरों का तो पहले दिन तो यही कि जो बिल आ रिपील होने चाहिए है। असी पहले दिन तो अमेंडमेंट्स की गल ही नहीं की, वी वॉन्ट रिपील द बिल्स। वो जिनी देर तक रिपील नहीं होंगे वो चाहे 26 जनवरी तक हो जाए, उस बाद चाहे विसाखी तक चाहे उस तो बाद, किसान जथेबंदियां इस गल से दृढ़ ने कि जिनी देर तक जो कानून है रद्द नहीं होंगे उन्नी देर तक अंदोलन इसे तरह चलता रहेगा। और अगर बाय 26 जनवरी रिपब्लिक डे तक यदा डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होंगे तो यह जो संघर्ष है और तेज़ होगा पंजाब च भी और दिल्ली च भी। दिल्ली के जो किसान बैठे उन्होंने गल की कि 26 तरीक तक जो नहीं रद्द होंगे 26 तरीक उ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी व्डे पद्धर से, तुम की मानते हो कि वो रैली जी सफलपूर्वक होगी? बिल्कुल वो ट्रैक्टर परेड की जाऊगी इस बार उत्थे। अगे तो असं देखते हैं ना कि आर्मी की परेड होंगी या होर पैरामिलिट्री फोर्सेज उस भाग लेंदी हैं, इस बार किसानों के ट्रैक्टर जोड़े है उत्थे गणतंत्र के उत्ते देखने मिलने। की नाम थोड़ा जी? एडवोकेट मनजिंदर सिंह भुल्लर। जिहड़ा किसानां दा जोश है तुसीं देख सकते हो, इत्थे मेरे ख्याल 1 किलोमीटर तो ज़्यादा लंबा जाम है ट्रैक्टर का, दूसरे वहीकल का कोई कहना नहीं है। हर तरह का लोग इतने आए हुए हैं, किसान अपने ट्रैक्टर लैके आए हैं, दुकानदार अपने वहीकल लैके आ रहे और नौकरी पेशा लोग अपने वहीकल लैके आए।